आप सबने एंजॉय किया माशाल्लाह। अंसारी साहब चूँकि वाले सुनने वाले हैं और बार बार बीच में फरमाइश कर रहे थे पत्थर वाला। मैं यहाँ बैठा सोच रहा था इतने मौजूद शोरा मौजूद हैं, कोई मिल नहीं रहा। अगर मेरे जैसा शायर यहाँ खड़ा होता शायद बहुत सारे पत्थर वाले मिल जाते यहाँ पर। अब इस तकरीब का अख्ताम होना चाहता है और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। खासतौर पर हमारे जो मेहमान बाहर से तशरीफ लाए, शफी आजम से बाहर से तशरीफ लाए, जिनमें बहुत सारी हस्तियाँ यहाँ तशरीफ फरमाए, हमारे चशी साहब भी बर्मिंग तशरीफ लाए। लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि छोटी सी बात आपके साथ एक ही कर लूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, ये आप सबको पता है, या कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाए, कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, या कोई फिल्म तैयार की जाए, ड्रामा तैयार किया जा रहा हो, तो उसके पीछे कुछ अनासर ऐसे होते हैं जिनका काम तरतीब देना होता है, सामने नहीं होते। सामने आपको सिर्फ हीरो या हीरोइन नजर आता है। तो वो लोग जो पीछे काम करते हैं, अमूमन फिल्मों में डायरेक्टर, ड्रामा में डायरेक्टर होते हैं, घरों में बुजुर्ग होते हैं जो शादियों की तैयारी फंक्शन वगैरह करते हैं, वो नजर नहीं आते। उन्हीं जैसे एक शख्स को मैं दावत देना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी, बस बहुत मुख्तसर टाइम है, तो दो तीन मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ लाएँ और इस तकरीब के हवाले से, और अगर आगे आने वाली जो तकरीबात हैं हमारी ईमान टीम का हिस्सा है, रूह रवा है सही माने का ईमान के और बज़्म अदब के हवाले से, ज़ाहिर एक अरसे से शामिल हैं और इसको दोबारा रिवाइव करने में भी इन्हीं का हाथ है। अगर किसी को पसंद आए तो प्रोग्राम के बाद पकड़ सकते हैं। मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम शफीर मुगल साहब को कि तशरीफ लाए और हमें इस प्रोग्राम के और आने वाले प्रोग्राम के बारे में चंद मिनटों में सिर्फ। नासिर साहब पीछे से कह रहे हैं कि खाना ठंडा और ड्रिंक्स में हम गर्म हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब मुशायरा आप सबको मुबारक हो। खास तौर पे जो सुनने वाले शुरा जो हैं उनको सुनने वाले चाहिए होते हैं, और जब सुनने वाले अच्छे हों तो मुशायरा भी कामयाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहूंगा कि सब सुनने वालों के लिए तालियां हो जाए पहले। माशाल्लाह आज का जो ये मुशायरा है उसकी एक वजह बनी, और उस वजह को शोहेब भाई ने भी, सईद भाई ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें जनाब नासिर मीर साहब ने, जो अपना रेस्टोरेंट के ओनर हैं, इन्होंने हमसे ये मशवरा किया कि हम ये चाहते हैं, और खसूसी तौर वो खुद चाहते थे कि जनाब इश्तियाक मीर साहब जो हैं उनको उनके एजाज में एक दावत रखी जाए, खाने की दावत। लेकिन हमने इन्हें मशवरा दिया कि इस खाने की दावत को हम मुशायरे की दावत बनाते हैं। तो इन्होंने लबैक कहा, और लबैक कहते हुए इन्होंने कहा कि आपकी अपनी जगह है, आपका अपना रेस्टोरेंट है, जब चाहे जिस वक्त चाहे ये एहतमाम हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका अदा किया और हमें ये जगह आए ही नहीं कही, बल्कि बहुत सारे अच्छे मशवरे भी दिए। जनाब नासिर साहब, उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि इश्तियाक मीर साहब तशरीफ नहीं ला सके, उनके साथ जब टेलीफोन पे कल गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इंतहाई अदब के साथ, क्योंकि वो बड़े अदब वाले शख्स हैं और मैं उन्हें पिछले 30 सालों से जानता हूं और बड़े प्यार मोहब्बत वाले शख्सियत हैं, तो उन्होंने कहा कि गो के मेरे बहन भाई जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आप अपना प्रोग्राम जो है वो जारी रखें। आपने शुरा को भी दावत दी है, आपने वो शहरियों को भी दावत दी है, तो इसको रुक